इस वीडियो का टॉपिक बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि है फेस्टिवल पे। फेस्टिवल के क्वेश्चंस जो हैं वो आप कैसे आंसर कर सकते हो। इस वीडियो में आप उसके लिए वोकैब वर्ड्स और उसका एक सैम्पल आंसर जो है वो देखोगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। विदाउट एनी सेकेंड थाट आई कैन से दिवाली इज़ माई फेवरेट फेस्टिवल, बिना दोबारा सोचे मैं बोल सकता हूँ कि दिवाली मेरा एक फेवरेट फेस्टिवल है, एज इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड आई लव लाइट्स, क्योंकि ये लाइट्स का त्यौहार है और मुझे लाइट्स बहुत पसंद है। सो यू कैन आंसर लाइक दिस, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, आप कैसे ये सेलिब्रेट करते हो फेस्टिवल को। वेल ऑन दिस डे, जब भी ये डे आता है, आई अडॉर्न माई होल अबॉड विद फ्लावर्स एंड लाइट्स, मैं अपना सारा घर डेकोरेट करता हूँ। होल अबॉड, अबॉड मतलब होम, और अडॉर्न का मतलब होता है डेकोरेट। मैं सारा घर डेकोरेट करता हूँ फ्लावर्स और लाइट्स के साथ। इन द इवनिंग आई डू वर्शिप ऑफ लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी की पूजा भी करता हूँ इस दिन इवनिंग में। एंड एट नाइट आई फायर क्रैकर्स विद माय फैमिली मेम्बर्स, मैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलके फायर जो है वो क्रैक करता हूँ नाइट को। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वेल देयर आर अम्प्टन फेस्टिवल दैट आर क्वाइट रेनाउंड इन माई नेशन, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो काफ़ी फेमस है मेरी नेशन में। रेनाउंड का मतलब होता है फेमस या पॉपुलर। बट अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव, मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग, दिवाली एंड क्रिसमस आर क्वाइट एमिनेंट अमंग इंडिविजुअल्स, जो दिवाली है या जो क्रिसमस है वो काफ़ी फेमस है मेरी इस कंट्री में। एमिनेंट का मतलब अगेन फेमस होता है। नेक्स्ट इज, डू यू लाइक वेस्टर्न फेस्टिवल, आपको वेस्टर्न फेस्टिवल पसंद है। आपको भी पता है कि क्रिसमस जो है वो एक वेस्टर्न फेस्टिवल है, तो यहाँ पे आप उसके बारे में बात कर सकते हो। आप बोल सकते हो येस आई लव वेस्टर्न फेस्टिवल, मुझे बहुत पसंद है। एज क्रिसमस इज क्वाइट रेनाउंड इन माई नेशन, एज जो क्रिसमस है वो काफ़ी रेनाउंड है, फेमस है मेरे नेशन में। एंड दिस इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल फेस्टिवल, ये एक ब्यूटिफुल फेस्टिवल है। बिसाइड दिस, इसके अलावा ऑल द इंडिविजुअल्स, या इसकी जगह पे आप ड्वेलर्स भी बोल सकते हो, ऑफ माई नेशन व्योर रेड अटायर्स ऑन दिस डे एज इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th of December। सारे जो लोग हैं वो इस दिन रेड कपड़े पहनते हैं, अटायर्स का मतलब होता है क्लॉथ्स, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 25th of December को, ये सेलिब्रेट किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन योर कंट्री, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो फेस्टिवल अपने कंट्री में। वेल इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, ये एक विभिन्नता का देश है। एंड देयर आर एम्पल फेस्टिवल दैट आर क्वाइट पॉपुलर इन माई नेशन, बहुत सारे ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं, एम्पल मतलब मैनी, जो काफ़ी पॉपुलर है मेरे नेशन में। आई लव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल बाय एम्बेलिशिंग माई अबॉड विद लाइट्स, मैं कैसे सेलिब्रेट करता हूँ फेस्टिवल, मैं उस टाइम पर अपना घर जो है वो एम्बेलिश करता हूँ। एम्बेलिश का मतलब भी होता है डेकोरेट, तो यहाँ पर एम्बेलिशिंग है तो डेकोरेटिंग। माई होल अबॉड विद लाइट्स एंड बाई स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद माई लव्ड वन, जहाँ मैं अपना बहुत अच्छा समय जो है अपने लव्ड वंस के साथ, लव्ड वंस होते हैं जो आपके चाहने वाले, चाहे वो पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके वो कजन्स हैं। आई ऑल्सो लव टू क्लिक फोटोग्राफ्स ऑन एवरी फेस्टिवल, और मैं हर फेस्टिवल पर फोटोग्राफ जो है वो क्लिक करना भी काफ़ी पसंद करता हूँ। सो ये थे हमारे आज के टॉपिक के क्वेश्चन जो बेस्ड थे फेस्टिवल पे। होप है कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।